हाइब्रिड सीड जब इधर पूर्वांचल में नहीं कोई जानता था, तब हम यूज नहीं करता था, तब से हम इस ट्रेड में हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ। मौसम का ज्यादा फ्लैक्चुएट डे नाइट होगा तो कल जो है नहीं अच्छे आते हैं, लेकिन इस क्लाइमेट में बहुत अच्छा सर्वाइव किया है। देख रहे हैं इतना अच्छा फील्ड है। गोभी का कर्ल जो है आप थोड़ा सा ये देख सकते हैं, इस क्लाइमेट में इतना व्हाइटनेस है। तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक फोन करें, आपका विश्व प्रसिद्ध भाई निस्वार्थ भाव से आपकी सहायता के लिए तैयार है। आइए देखते हैं कि और डीबीएम नहीं मरती वाली समस्या आप हम पर छोड़ दें। कहीं भी आपके खेत में डीबीएम दिखने नहीं पाएगी, ये आपके चैनल फार्मिंग विलेज की गारंटी है। किसान भाई वाला किसान ही इकलौता मंडी का राजा रहता है और मनमाने दाम पर इसे बेचता है। जैसे इस समय 30 से 35 रुपए का भाव चल रहा है, बाकी समय फूलगोभी को देखने के लिए ये सारी जनता खेत में इकट्ठी हुई है। जब ये चमचमाती फूलगोभी मंडी में पहुंचती है, विशेष तौर से 10 से 20 अप्रैल के बीच में, जब किसी किसान के खेत में क्वालिटी वाली फूलगोभी नहीं होती, क्योंकि इस समय तक नामी कंपनियों की फूलगोभी अपने अंतिम चरण में होती है और यहाँ से नोबेल की हैप्पी और CFL 1522 की निकासी मई से पहले नहीं हो पाती। ऐसा नहीं है कि 10 से 20 अप्रैल के बीच में मंडी में फूलगोभी नहीं होता, मंडी में फूलगोभी आती है, लेकिन घटिया क्वालिटी का, लाल पीला और रोएदार, जिसकी तरफ कस्टमर देखता तक नहीं। ऐसे में जब इस प्रकार की चमचमाती फूलगोभी मंडी में पहुंचती है तो कस्टमर ना चाहते हुए भी इसे खरीद लेता है। किसान भाइयों, फूलगोभी की ये प्रजाति है वेलकम की रुस्तम, जिसे हम पिछले 4 सालों से दूसरी प्रजातियों के साथ कंपटीशन में लगवा रहे हैं। इस सेगमेंट की और भी प्रजातियां हैं, जैसे सिजेंटा की लकी, एडवांटा की GS 85, क्लाउज की पर्ल, सेमनीज की फोर्टलेजा और हाईवेज की विक्टोरिया, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बढ़िया वेलकम का रुस्तम ही आता है। इसके कंपटीशन में सिर्फ सिजेंटा की लकी खड़ी रहती है, लेकिन 10 अप्रैल के बाद इसके फूल में भी रेशा आने लगता है। ऐसे में हमारे यहाँ की मंडी में रुस्तम वाला किसान ही इकलौता मंडी का राजा रहता है और मनमाने दाम पर इसे बेचता है। जैसे इस समय 30 से 35 रुपए का भाव चल रहा है, बाकी समय फूलगोभी का भाव चाहे जो भी हो, लेकिन 10 से 20 अप्रैल के बीच में फूलगोभी का भाव मिलना तय है। 10 दिन में किसान मालामाल हो जाता है। किसान भाइयों, इस समय उत्पादन लेने के लिए आपको नर्सरी के टाइमिंग का विशेष ध्यान देना होगा। अगर आप नर्सरी 10 से 15 दिसंबर के बीच में करें और पौधरोपण 12 से 15 जनवरी के बीच में करके अच्छे से खेत की देखभाल करें तो 75 दिन के अंदर में आप पहली कटाई ले लेंगे। जब 10 से 20 अप्रैल के बीच में भाव आसमान पर रहेगा तो आपके गोभी की हार्वेस्टिंग भी पीक पर रहेगी। किसान भाइयों, अगले साल आप इस कुबेर के खजाने वाली खेती की प्लानिंग करें, उससे पहले बता दें कि यह वैरायटी लापरवाह और डरपोक किसानों के लिए बिल्कुल नहीं है। सिर्फ वही किसान इसकी खेती में सफल हो सकते हैं जिनको अपने आप पर भरोसा है। और डीबीएम नहीं मरती वाली समस्या आप हम पर छोड़ दें। कहीं भी आपके खेत में डीबीएम दिखने नहीं पाएगी, ये आपके चैनल फार्मिंग विलेज की गारंटी है। किसान भाइयों, यहाँ लापरवाह किसानों से हमारा आशय ये है कि पिछले साल हमारी वीडियो देखकर कुछ किसानों ने रुस्तम को अपने खेत में बिना किसी प्रॉपर तैयारी और बेसल डोज के पौधरोपण कर दिया, जिसके कारण पौधे का सही ग्रोथ नहीं बन पाया। बाद में जो फूल आया वो घटिया क्वालिटी का, लाल पीला। उसके बाद किसान अपनी लापरवाही हमारे सर डालने लगते हैं कि ये वैरायटी ख़राब है, ये घटिया क्वालिटी की है, किसी को मत बताना, वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब है किसान भाइयों कि जितना अच्छे से आप खेत की तैयारी करेंगे और बेसल डोज देकर इसका पौधरोपण करेंगे, उतना ही ज़ोरदार पौधा तैयार होगा, और जितना बढ़िया पौधा तैयार रहेगा, फूल उतना ही पत्तियों से ढका हुआ अच्छी क्वालिटी का आएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, या फिर भाई को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक फ़ोन करें। आपका विश्व प्रसिद्ध भाई निस्वार्थ भाव से आपकी सहायता के लिए तैयार है। आइए देखते हैं कि खेती के दिग्गज हमारे रामबली चाचा जी का क्या कहना है इस वैरायटी के बारे में। जय हिंद किसान भाइयों, ये हमारे चाचा जी जो खेती के दिग्गज रह चुके हैं और 50 किलोमीटर के आसपास किसानों को कोई परिचय के मोहताज नहीं है, सब इन्हें फेस टू फेस जानते हैं। फिर भी चाचा जी से हम चाहेंगे कि अपना परिचय बता दे जो नए किसान हैं दूर के। मेरा नाम रामबली है जी, मैं किसान भी हूँ, दुकानदार भी हूँ। एक क्लाइमेट में आज के डेट में जो कैलीफ्लावर कट रही है, ये थोड़ा सा जोर से चाचा जी, ये कट रही है। हम कई वैरायटी जैसे कि सेमनीज का लगा है, BNR का लगा है, वो अच्छा का लगवाए हैं, कई कंपनी का कैलीफ्लावर इस पीरियड में। ये जो है रुस्तम जो है वेलकम का, इसका कोई जोड़ नहीं दे, हर बीज हम बता रहे हैं सब फेल्योर गया। ये क्लाइमेट का मैटर है, गोभी जो है सबसे सेंसिटिव क्रॉप होती है। अगर मौसम का
ज्यादा फ्लैक्चुएट डे नाइट होगा तो कल जो है नहीं अच्छे आते हैं, लेकिन इस क्लाइमेट में बहुत अच्छा सर्वाइव किया है। देख रहे हैं इतना अच्छा फील्ड है। गोभी का कर्ल जो है आप थोड़ा सा ये देख सकते हैं, इस क्लाइमेट में इतना व्हाइटनेस है, ये देखिए एक्सीलेंट है। तो कहने का मतलब गोभी आज के डेट में रुस्तम वेलकम का रुस्तम कोई जोड़ कोई कंपनी वाले नहीं दे पाए, हम तो हर समय देखते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारी जितनी आयु है चाचा जी का उतना अनुभव है फील्ड का, तो चाचा जी की बातों का मतलब किसानों को ध्यान देना चाहिए बातों पर। तो हम चाचा जी से पूछना चाहेंगे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग सवाल कि आपने हाइब्रिड बीजों की शुरुआत कब की थी अपने यहाँ? मैं 91 से स्टेट में मैं आया हूँ, फार्मिंग कर रहा हूँ, करीब के किसानों तक पहुँचा भी रहा हूँ 91 से जी। हाँ, हाइब्रिड सीड जब इधर पूर्वांचल में नहीं कोई जानता था तब हम यूज नहीं करता था, तब से हम इस ट्रेड में हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब फिलहाल में देखते हैं हमारे किसान जैसे ये टेंट वाली नर्सरी जो टेंट के अंदर करते हैं, तो उसके पहले देसी बीज आता था तो जो खुले में नर्सरी करते थे, तो भी टेंट की शुरुआत हम पाली हाउस जो सीडलिंग डालने से एक जो डैम्पिंग या पगलन जो है हिंदी बोलेंगे एक गिरती नहीं है। अगर पानी चेक कर दीजिए, बरसात का पानी कंट्रोल कर लीजिए नर्सरी में न जाए, तो आप काफी हद तक आपकी नर्सरी सर्वाइव कर जाएगी। तो उसके बारे में हम कहना चाहेंगे कि हमें लगता है चाचा जी ने इधर लोकप्रिय बनाया उस मॉडल। हाँ, मतलब पाली हाउस का यूज, रो टू रो सीडलिंग डालने की बात, जो एक एक बीज डालने, एक एक बीज डालने, उसमें भी बात है कि ज्यादा घना से नर्सरी गिरती है, ज्यादा टेम्परेचर से गिरती है, ज्यादा पानी से, तीन कारक है। अब इसी को हमारे बस का है कि पानी बरसात का कंट्रोल कर ले प्लास्टिक लगा करके, और थोड़ा घना है तो रो टू रो अगर लाइन से लाइन बीज डाल देंगे तो डैम्पिंग है जो पदगलन जो अंगरहवा दिन हिंदी में बोलते हैं हम लोग, वो नहीं लगता है। अब रही बात की एक कारक और है टेम्परेचर का, तो दो ये सब रिलेटिव है, पानी बरसेगा गर्मी का मौसम रहता है और उसके बाद घना हो जाएगा तो नर्सरी एकदम क्लियर है नहीं बच पाएगा, तो ये सब बातें हैं। इसके पहले हमने जब पत्ता गोभी की शुरुआत करी थी तो उस समय शुरुआत में डीवीएम नहीं मर रहा था, तो चाचा जी ने हमारी बहुत हेल्प करी, तो उस समय शायद 2013 में जब हमने किया था तो फसल देखने लायक थी, शायद किसी के आसपास पूरे गांव में इकलौता किसान हम थे और मंडी में भी वैसी फसल और किसी की नहीं थी, तो चाचा जी का विशेष योगदान था कि इन्होंने जो नई नई दवाओं का स्प्रे कराया, नहीं कोई जानता नहीं था इमामेक्टिन बेंजोएट जब शुरू हुआ था हमारे यहाँ, मतलब नई चीज थी। तो हम चाचा जी से पूछने के लिए तो बहुत सवाल है, लेकिन फिलहाल पूछेंगे कि हाइब्रिड में जैसे बहुत प्रचलित कंपनी जैसे सिजेंटा, इसकी शुरुआत कब से हुई? सिजेंटा उसी से 91 से मैं कैलीफ्लावर समर में कर रहा था, सेरनो वैरायटी आती थी उसमें सिजेंटा सैंडोज कंपनी थी, ये सिजेंटा तब सैंडोज हुआ सैंडोज थी, उसके बाद एंटिस हुई, ऐसे ऐसे आज जो है सिजेंटा के नाम से पब्लिसिटी हुआ है। सोच ले किसान भाइयों की पूरा इतिहास बता दिया सिजेंटा कंपनी का, जो आप CFL 1522 जो फिलहाल में इतना लोकप्रिय है, तो पहले सैंडोज थी, फिर कौन सी हुई? एमेंटिस हुई, फिर अभी जाके सिजेंटा। सिजेंटा, अब सोचे कि कितना लंबा अनुभव है चाचा जी के पास, अभी भी हैं फील्ड में और जो भी बोलते हैं एकदम साफ सुथरा बोलते हैं, जो बोलते हैं फील्ड में दिखता है। इसके पहले चाचा जी ने हमें लगता है TRS की रोनी शिमला मिर्च लगवाई थी, बहुत अच्छा चल रही थी उस समय, अभी इस साल तो क्लाइमेटिक मैटर में बोल रहे थे शिमला मिर्च की फसल में किसी का नहीं बचा, जो आ गया नहीं कंट्रोल हो रहा है, बहुत टफ प्रॉब्लम आ गया। इस गोभी के लिए चाचा जी जैसे नहीं, एक्सीलेंट वेलकम का रुस्तम जो है खेल भाई साहब, इसके हम बहुत हम भी घर पर लगाए हैं, एकदम फेलोर गया, मतलब कई कंपनी का लगा, हम तो आपने थोड़ा बताएंगे कि आपने कौन सा लगाया था इस समय? अरे चलिए वो सब नहीं, पता होना चाहिए वाली बात से, थोड़ा सा लोग हम सभी लोगों से हमारा नेटवर्क है।